हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग यूके इमिग्रेशन वीजास एज वेल एज द रिवाइज गाइडलाइंस जो कि उन्होंने सिक्स ऑफ डिसम्बर 2022 को दी हैं यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन जिसको हम यूके के भी बोलते हैं उन्होंने कुछ अपनी सर्विस का स्टैंडर्ड वेटिंग टाइम पब्लिश किया है कि उसके ऊपर कितनी देर में वो डिसीजनज लेंगे यू के वी आई ने अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो करंट प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर भी दिया है जो कि बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड यू के है आगे जाने से पहले एक बार आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जो बेनिफिट्स हैं इसका जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है उसका उसका उसको उनको पता लग सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हम डिस्कस करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम आउटसाइड द यूके जो भी वर्क वीज़ा आउटसाइड द यूके प्रोसेस होंगे उसका जो डिसीज़न है विद इन थ्री वीक्स दिया जाएगा एंड नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टडी वीज़ा स्टडी एंड चाइल्ड स्टडी वीज़ा जो भी आउटसाइड uh, यूके प्रोसेस होंगे उसका भी स्टैंडर्ड टाइम थ्री वीक्स ही है लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा है जिसमें कुछ फाइव वीक्स का टाइम वो ले रहे हैं अब कैटेगरी आती है फैमिली वीज़ा फैमिली वीज़ा जो सेटल होने के लिए यूके के लिए कोई स्पाउस पार्टनर और उसका फैमिली मेम्बर अप्लाई कर रहा है उसका टाइम पीरियड रहेगा ट्वेंटी फोर वीक्स एंड नेक्स्ट चलते हैं होंगकोंग ब्रिटिश नेशनल वीज़ास जिसको हम बी एन ओ बोलते हैं उसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा ट्वेल्व वीक नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ गई विजिट वीज़ास विज़िट्स वीज़ा में कोई भी बिजनेस वीज़ा है स्टैंडर्ड विज वीज़ा है उसका जो टाइम है वो फाइव वीक प्रोसेसिंग टाइम रहेगा नेक्स्ट आ गया हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम उन वीज़ा का जो इनसाइड यूके में है उसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है वर्क वीज़ा की उसका टाइम जो रहेगा वो लाइक थ्री वीक्स का रहेगा एंड नेक्स्ट है हमारा स्टडी वीज़ा उसका टाइम पीरियड रहेगा एट वीक्स का देन फिर आ गया हमारा फैमिली वीज़ा उसका टाइम अगेन एट वीक्स का है करंटली जो उनका डिसीज़न है वो इलेवन मंथ्स में हो रहा है देन आ गया हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश नेशनल वीज़ा जिसको हम बी एन ओ भी बोल रहे हैं उसका अगेन ट्वेल्व वीक्स का है विजिट वीज़ा में जो है सरकम बड़ा लिमिटेड रखा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो फिर भी एक दो कैटेगरीज उन्होंने दी हैं कि अगर आप कोई पेशेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है या कोई आप प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक कुछ असेसमेंट बोर्ड का कोई टेस्ट दे रही हो तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो जो भी अर्जेंट वीज़ा सर्वसेज हैं लाइक प्रयोरिटी सर्विस है उसमें आप जो है विद इन फाइव वर्किंग डेज अपना रिजल्ट ले सकते हो सुपर प्रायोरिटी सर्विस में बाय द नेक्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट डे आपको जो है आपके वीज़ा के ऊपर डिसीजन मिलेगा फैमिली वीज़ा सर्विसेज में ये दोनों सर्विसेज जो हैं प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी ये टेम्परेली सस्पेंडेड हैं किसी भी फाइल का जो हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कैसे गिनेंगे जैसे आप कोई भी फाइल की अपॉइंटमेंट पे जाते हो वी एफ एस या कहीं भी या यू के आई डी चेकअप जाते हो तो उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट गिनेंगे और जब आपका जो रिज़ल्ट का आपको ईमेल आएगा तो उसको जो है हम वो एंडिंग पॉइंट में काउंट करेंगे कि आपको उसमें उस दिन आपका प्रोसेस वो है फिनिश हो गया तो इसमें कुछ पॉइंट्स पे जो है आपकी आ, जो है एप्लीकेशन वो डिले भी हो सकती है डिले के पीछे रीजंस क्या है अगर आप में कुछ केस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है कोई आपका एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री है कोई ओवरस्ट्री है एंड सेकंड है कोई आपको होम अफेयर को लगता है कि हमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए तब भी वो आपसे डिमांड कर सकते हैं तब भी आपकी फ़ाइल में जो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा एंड अगर उनको लगता है कि कोई आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऑथेंटिक नहीं है कोई ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम है देन दे विल आस्क एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तो जो उसमें आपका जो है टाइम वो है वो स्टैंडर्ड टाइम जब पब्लिश है उससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो और अपना बेल बटन जो है नोटिफिकेशन बटन बेल वाला वो उसको ऑन करो ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू बाय बाय गुड डे